दोस्तों किसी भी बड़े टारगेट को अचीव करने से पहले या फिर कोई आपका बड़ा एग्जाम हो उससे पहले जो नर्वसनेस आती है बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर आपने काम किया है पिछले दिनों किसी भी टारगेट को लेकर, पिछले 6 महीनों से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या फिर किसी टारगेट को लेकर आप काफी चिंता में थे और अब वो दिन बिल्कुल पास आ गया है तो जो नर्वसनेस है ये बिल्कुल स्वाभाविक होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि क्या मैं फेल हो जाऊंगा या फिर मैं इस सिचुएशन को कैसे टैकल करूंगा, मैं वहां पर अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इन सारी चीजों के साथ में जो आपके अंदर एक तरीके की नर्वसनेस आती है इसको ओवरकम कैसे करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। सपोज करें कि टीम इंडिया के क्रिकेटर जो कि युजवेंद्र चहल है, ये फुल टाइम बॉलर है, अगर जब ये बैटिंग करने जाते हैं तो क्या ये नर्वस होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने बैटिंग के लिए बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की होती है, इनका मेन फोकस होता है बॉलिंग के लिए। तो जब ये बॉल डालते हैं, बॉलिंग करते हैं, तब ये जरूर नर्वस होते हैं जब इनके ऊपर छक्के पड़ते हैं या फिर इनको विकेट नहीं मिलता। यही सेम सीन जो है हमारे साथ भी रहता है कि अगर हमने अपने एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रखी होती है तभी हमें डर रहता है। अगर आपने बिल्कुल मेहनत नहीं की है और डायरेक्टली आप रात में सोकर उठे, सुबह पेपर देने चले गए, तो आप नर्वस भी नहीं होगे, आपके अंदर कोई डर भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाए थे। अब ये जो चीजें हैं कि आपके अंदर कोई नर्वसनेस आ रही है या फिर आप थोड़े से एंजाइटी में हैं, तो इन चीजों को ओवरकम करने का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है? वो दोस्तों ये होता है कि आपका डेली रूटीन और लास्ट मोमेंट पर आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें हर एक छोटे छोटे पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। लाइक आपकी डाइट, आपका डेली उठना, आपका मॉर्निंग वॉक हो गया, आप कितने घंटे सो रहे हैं, तो ये सारी चीजें ही आपको इस एंजाइटी से बाहर निकालती हैं। एक अगर मैं एक एस्पिरेंट की तरह आपको समझाना चाहूं तो मैं यही कहूंगा कि प्रॉपर एक एम्पल अमाउंट में जब तक आप सोओगे नहीं तब तक दोस्तों आपके अंदर इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके की चीजें आती रहेंगी। तो कोई भी पेपर हो उससे 10 15 20 दिन पहले आप ये जरूर श्योर कर लें कि क्या मैं एम्पल अमाउंट में नींद ले पा रहा हूं, क्या मैं सो रहा हूं ढंग से। ऐसा तो नहीं कि मैं रात दिन एक कर रहा हूं और फिर मेरी आंखें लाल पड़ी हुई है, मैं बहुत परेशान हूं, तो ये सारी चीजें दोस्तों आपके अंदर आएंगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एक लाइट ब्रेकफास्ट या फिर एग्जाम से पहले मैं यही कहूंगा कि आप एक रूटीन सेटअप करो जिसमें ऐसी चीजें खाओ जिनसे आपकी बॉडी थोड़ी सी लो हो, ठीक है, हल्का फील करे। प्रॉपर मॉर्निंग वॉक करो, थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करो, डेली रिवीजन मॉर्निंग में करो, और मैं यही कहूंगा कि लास्ट मोमेंट तक ये जरूर सोचकर जाओ कि मेरे लिए हर एक दिन एज यूजुअल है। ऐसा नहीं है कि मैंने पिछले दिनों बहुत मेहनत की थी तो अभी मैं यहाँ पर लूज पड़ जाऊंगा, मैं इन चीज़ों को ऐसे ही निकाल दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपके जो मेन आपका गोल है उसमें बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। तो बेटर यही होगा कि अपनी चीज़ों के डेली रूटीन को एक मैनेज करो और इससे आपको दोस्तों सफलता जरूर मिलेगी। तो आगे हम और भी इस तरीके के जो टॉक्स हैं इनको करते रहेंगे, तो फटाफट आप सब्सक्राइब भी कर लो ताकि हमारे साथ जुड़े रहें।